Now let us start class 9 math Euclid axiom. Euclid axiom, first, things which are equal to the same things are equal to one another. Euclid second, if equals are added to equals, the whole are equals. Axiom third, if equals are subtracted from equal, the remainders are equal. Axiom 4, things which coincides with one another are equal to one another. Axiom 5, the whole is greater than the part. Axiom 6, things which are double of the same things are equal to one another. Axiom 7, things which are half of the same things are equal to one another. Axiom first, things which are equal to the same things are equal to another. अगर दो चीज तीसरी चीज के इक्वल है तो फर्स्ट जो है थर्ड के इक्वल होगा. जैसे टू मार्कर्स दोनों सेम हैं, ये इसके सेम है और यह भी इसके सेम है, ये इसके सेम है और ये इसके सेम है. इसका मतलब ये जो है तीनों सेम होंगे, ये अलग अलग तीनों सेम होंगे. अगर दो तीसरे के इक्वल है तो तीनों अलग अलग इक्वल होंगे. जैसे कोई लाइन है, अगर सेम है, दो लाइन सेम है तो तीसरी लाइन सेम होगी. Axiom 2, if equals are added to equals, अगर कोई नंबर दो इक्वल नंबर है, मान लो 5 है, 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, अगर इसमें इक्वल ऐड करेंगे तो जो इसका होल आएगा वो इक्वल आएगा. मान लो इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं, इक्वल और इक्वल ऐड करना है, तो जो इसका होल आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों 7 इक्वल होंगे. अगर कोई दो नंबर है उसमें सेम, दोनों सेम है और उसमें सेम ऐड किया जा रहा है, 5 और 5 है, 2 और 2 ऐड करेंगे तो जो उसका होल आएगा इक्वल होगा. Axiom third, if equals are subtracted from equal, अगर दो नंबर इक्वल हैं, उसमें से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इक्वल है इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल आएगा. जैसे 5 है, 5 और 5 इक्वल हैं, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा. 5 minus 2 = 3, 5 minus 2 = 3, तो जो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा वो इक्वल होगा. Axiom 4, things which coincides which are another are equal to one another. अगर कोई दो चीज एकदम सेम है, जैसे दो सर्कल है या ट्रायंगल है, दोनों अगर सेम परिसी पर हैं तो दोनों कोइंसाइड्स कहे जाते हैं, दोनों एकदम सेम होते हैं, दोनों अलग अलग सेम होते हैं. ये सर्कल है, इसी पर एक और सर्कल है, इसको कोइंसाइड्स कहा जाएगा और कोइंसाइड्स होंगे तो दोनों एकदम सेम टू सेम होंगे. Axiom 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है. जैसे एक लाइन है, ये पूरी लाइन है, होल लाइन है, इसमें से अगर इसका हम पार्ट करेंगे, इसको दो पार्ट कर दिए, तो इसका एक पार्ट हमेशा इससे छोटा होगा या एक पार्ट से लाइन हमेशा बड़ी होगी. Axiom 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर. अगर कोई चीज है उसका डबल करेंगे तो दोनों डबल ही आएंगे. जैसे मान लो 3 है, 3 इक्वल है, इसका डबल करेंगे और इसका भी डबल करेंगे तो जो आएगा वो दोनों सेम होगा. कोई चीज अगर
इक्वल है और सेम है और उसका डबल करेंगे तो इक्वल आएगा। जैसे लाइन को ले लो, ये लाइन, ये लाइन इक्वल है, इस लाइन का डबल करेंगे कितना होगा, इस लाइन का डबल करेंगे कितना होगा, दोनों लाइन सेम होंगी। एक्सियम सेवन, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अगर कोई चीज इक्वल है उसका हाफ करेंगे तब भी इक्वल होगा। जैसे एट है, एट और एट इक्वल है, दोनों का हाफ करेंगे तो जो आएगा वो भी इक्वल आएगा। या कोई लाइन है, ये लाइन दोनों इक्वल है, इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, लाइन इधर, लाइन इधर, ये दोनों लाइन इक्वल होगी, तो हाफ करने पर भी इक्वल होगी। यही एक्सियम है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट अगर कोई दो तीन चीजें हैं, अगर फर्स्ट सेकंड की इक्वल है, सेकंड थर्ड की इक्वल है, तो फर्स्ट थर्ड की इक्वल होगा। सेकंड जो है, अगर कोई सेम चीज है उसमें कोई सेम चीज ऐड की जा रही है तो उसका होल सेम आएगा। थर्ड जो है, अगर कोई चीज सेम है उसमें से सेम सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो उसका रिमाइंडर सेम आएगा। अगर कोई चीज थर्ड ऑन साइड्स है, एक दूसरे पर एकदम इक्वल है, तो दोनों एकदम सेम होती हैं। होल जो है हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। और किसी दो चीजें इक्वल है उसका डबल जो है, उसका डबल इक्वल होता है। कोई दो चीज इक्वल है, अगर उसका हाफ करेंगे जो उससे प्राप्त होगा वो इक्वल होगा। ये सेवन एक्सियम है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लो।